वो तो है कि ऑक्सीजन कम है तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम थोड़ी आती है। ईशा कुमारी जी के पूछे कुछ आप नए बच्चों आने वाले नए युग के बच्चों के लिए कुछ आप सजेशन दें जिससे वो भी कुछ अचीवमेंट कर सके। देखिए सजेशन ये बात है जो भी चीज़ करो ना उसको 100% डेडिकेशन के साथ करो तो 110% तो सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। तो निशा है तो निशा ने कोई भी मैंने टास्क दिया तो आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ जब तक वो टास्क पूरा नहीं हुआ। 100% एफर्ट करते हैं। जैसे मैंने कोचिंग के लिए मैंने दूसरे दिन का वर्कआउट नहीं भेजा है तो अगले दिन रात को भी 4 बजे भी कॉल करेंगे सर मैंने आपका वर्कआउट नहीं आया मेरे तक अभी वर्कआउट तो मुझे वर्कआउट के लिए जा रहा है। तो डेडिकेशन होता है मेन चीज़ उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेंटली होता है कि जैसे 12 आवर्स रनिंग कंटिन्यू ग्राउंड पे करते रहना 12 आवर्स तक रात को 8 बजे स्टार्ट किया मॉर्निंग 8 बजे तक राउंड घूमते रहना वो बहुत बड़ी चीज़ है। 80-85-90 किलोमीटर तक दौड़ना एक साथ तो मैं जिस नई जनरेशन को एक ही बोलूँगा उठो और लगे बढ़ो बस अपने आप अचीवमेंट हो जाएगा। ऐसे देखें तो बहुत बड़ी ऐसे तो बच्ची का नहीं एकदम छोटी बच्ची बड़ी भी नहीं है बच्ची ही है काम बड़े हैं आपका अंदर आ गए थे भैया हम लोग भी हैं नहीं हम लोग छोटे हिमालय वाले हैं हम लोग तो बिना हिमालय वाले हैं नहीं हम तो भैया को देखते हैं जब वीडियो तो लगता है कि कैसे चढ़ाई की है मतलब हर जगह ये पहुंच जाते हैं। मोना भी कोशिश की थी जगह गिर गई पहले भी सीढ़ी से चढ़ने की कोशिश की थी और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने मैथमेटिक्स में अप्लाइड मैथमेटिक्स स्पेशली इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स आप भी ज्वाइन कर लीजिए कोर्स सर को क्योंकि आपको बहुत ऑक्सीजन की दिक्कत होती है आप सोनमर्ग में भागे ऊपर से जल्दी चलिए। लिट्टी तो तोड़ दी नहीं तो बता ना कि गुजरात के लोग लिट्टी पे आनंद लेने हैं। पूछो क्या पूछ रहे हो रोड कनेक्टेड है नहीं तुम जो पूछ रहे थे वो पूछो यहां से हम नेपाल जाएंगे नहीं इसने पूछा है ये आपसे पूछने में डर रहा है कि बॉर्डर कैसे पार करेंगे रोड से बाय रोड वो परमिट लेने पड़ते परमिशंस लेने पड़ते हैं तो परमिशंस जब हम लेंगे वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा के वीजा दिखा के कल अगर हम लोग मॉर्निंग में राइड सुबह 4:30-4 बजे शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें आज परमिट लेने पड़ेंगे ताकि हम सुबह 4 बजे राइड शुरू कर सकें नहीं तो हमारा दिन आगे का पूरा वो हो जाएगा। सबसे मजेदार जगह है मेरी मेरे को माउंटेन एरिया सबसे ज्यादा मजा आता है सबसे अच्छा वहाँ पे बहुत पीस होता है कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता एकदम साइलेंट और सबसे मुश्किल माउंट एवरेस्ट को छोड़ के कहाँ पे आपका सबसे मुश्किल था मेरा कैंप 3 से कैंप 4 चढ़ना जब मैं भी माउंटेन पे जाते थे ना तो मुझे स्लीपिंग बैग में सोने की आदत नहीं थी उसके अंदर घुस के ऐसे बंद हो जाते हैं ना घूम सकते ना पाँव फोल्ड कर सकते और मुझे पाँव फोल्ड करके सोने की आदत है अब आदत हो गई है चले भी हम लोग चला जाए हमारा बेटा भी बड़ा उत्सुक है हम और आप साथ चलते हैं और बेटा भी चलेगा हम चलता है हम और ये तो वर्मा जी जाएंगे तो इनके साथ मैं भी चला जाऊंगा। अब ये बोल रही है 4 दिन लगता है बेस कैंप का ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत मतलब लोग बोल
होते इतना हमने जो देखा है ना, ये सारी चीज टफ कम है, बस जज्बा होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। जैसे इनके जज्बे से ही तो ये बताइए लंदन का दिमाग में कैसे आया है, वो तो बस ही कर ये जज्बा। बॉर्डर से जाना यहाँ से आप नेपाल जाएंगे थ्रू सुनौली, मतलब आप यहाँ से सुनौली भैरवा चले जाएंगे, फिर वहाँ से टिबेट बॉर्डर चल जाएंगे, फिर वहाँ से किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, फिर वहाँ से हम यूरोप में एंटर करेंगे लेटविया से, लेटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक। कितनी कंट्री होंगी आपकी ये? 16 कंट्रीज। तो पूरा आपने वो नक्शा बनाया होगा कि कैसे कैसे जाना है, कहाँ कहाँ को स्टे करना है और कितने दिन लगेंगे, कैलकुलेटेड तो होंगी, 2-4-10 दिन तो आगे पीछे चलेगा, बट कैलकुलेटेड तो होंगी कि हमको स्टे कहाँ करना है और कैसे किसको बोलना होगा। हाँ, मान लीजिए जैसे गोरखपुर आई हैं, गोरखपुर कांटेक्ट की होगी, रोटवे के थ्रू की होगी, फिर इसके आगे अब आपका स्टे कहाँ होगा? सनोले बॉर्डर पे। नहीं, आप जानते हो मैं दाल बाटी ना खाऊं, मैं इसी से पेट भरती हूं। मेरा फेवरेट है दाल बाटी। मेरा भी फेवरेट है दाल बाटी। यहाँ से आप सुनौली आप रुकेंगे, क्योंकि बॉर्डर पे प्रोसीजर्स करने का पहले देखना पड़ता है कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कितना टाइम उसमें लगेगा। अगर हम सोचते हैं कि हम निकल जाएं, तो मेरे को राइड शुरू करनी होती है सुबह 4 बजे, सुबह 4 बजे शुरू करने के लिए मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए मुझे रात को वहाँ जाना पड़ेगा, 9 बजे के पहले पहुँचना होगा। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए मेरे को वहाँ पे पहले दिन पहुँच के वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करूँगी और अगले दिन सुबह 4-4:30 बजे निकल जाऊँगी, तो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट होंगे, तो मेरे को वो लोग निकलने लगे इजी पास होने लगे। जितना लेट निकलती हूँ उतना आगे पहुँचने में लेट होगा, तो उतना आपको डॉक्यूमेंट भी रखना पड़ता होगा, गर्मी भी पड़ जाती है। हाँ, कहीं चढ़ना भी होगा, कहीं उतरना भी होगा, तो है ही। राजस्थानी, हमने गुजराती खाने भी खिलाते हैं।